हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कैंसर सर्वाइवर सिलजा। जैसे आप सबको पता ही है, मैं खुद एक कोरोरेक्टल कैंसर पेशेंट हूँ और मैं साथ साथ में एक इलियोस्टॉमी पेशेंट भी हूँ। मैंने इलियोस्टॉमी के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि मेरा इलियोस्टॉमी रिवर्सल का चांसेस 50% है, यानी कि 50% चांसेस है कि बैग अंदर चला जाएगा, 50% चांसेस है कि बैग नहीं जाएगा। तो वहाँ पर मुझे किसी ने पूछा था कि क्यों ऐसे आप बता रहे हो, और वो खुद भी एक इलियोस्टॉमी पेशेंट है तो उनको ये कंसर्न है कि उनका बैग जाएगा कि नहीं जाएगा। उसके अलावा उनको उन्होंने ये भी पूछा था कि बैग लगने के बाद आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसी बारे में बात की जाए और इसके ऊपर ही डिटेल वीडियो बनाया जाए। तो आज का वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्यों मैंने ऐसे कहा था कि मेरे जो इलियोस्टॉमी रिवर्सल के चांसेस है वो 50-50% है। तो सबसे पहले जब मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ था, उस टाइम पे मुझे थर्ड स्टेज में कैंसर डिटेक्ट हुआ था और उस टाइम पे जो ट्यूमर है वो इतना बड़ा हो चुका था कि मुझे टॉयलेट पास करने में बहुत सारी परेशानी हो रही थी। तो मुझे सर्जरी से पहले ही कैमो के वक्त जब मुझे स्टूल पास नहीं हो रहा था, तभी डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि आप इलियोस्टॉमी बैग लगवा लीजिए। लेकिन तब मैंने नहीं लगवाया था, लेकिन सर्जरी के टाइम, फर्स्ट सर्जरी होने के 3-4 दिन ही बाद कुछ ऐसी प्रॉब्लम होने की वजह मुझे फिर से जो है सर्जरी रूम ले जाया गया था, और वहाँ पर मुझे सर्जरी में जो भी उनकी प्रॉब्लम रही होगी वो भी उन्होंने क्लियर की, और उसके साथ साथ मुझे इलियोस्टॉमी बैग भी लगाया था। लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ कि जो सेकेंड टाइम सर्जरी हुई थी मेरी उसमें, और फर्स्ट टाइम सर्जरी हुई थी उसमें, जो मेरा जो कोलोन का पार्ट होता है वो तो उन्होंने काटा ही था। जैसे आपको पता है कि कोलोन कैंसर में कोलोन का पार्ट थोड़ा सा काट दिया जाता है, लेकिन मेरे केस में उन्होंने कोलोन के साथ साथ कई सारी साथ में जो जुड़ी हुई चीज़ें थी जिसके अंदर मेरा कैंसर स्प्रेड हो चुका था वो भी उन्होंने निकाल दिया था, और यूट्रस भी उसमें से एक था, और कई आसपास की चीज़ें भी निकाली है जिनके नाम भी मुझे पता नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे जब मैं डॉक्टर को दिखाने गई तो फिर उन्होंने बताया कि बैग तो अंदर चला जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि कोलोन का जैसे आपको पता है थोड़ा सा पार्ट कट किया हुआ है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आजू बाजू से भी निकाली गई है, तो फिर बाद में बॉडी कैसे रिकवर करती है और कैसे वर्क करती है अगर वो लोग बैग अंदर डालते, यानी कि इलियोस्टॉमी रिवर्सल कर भी देते हैं, तभी भी फंक्शनिंग अंदर प्रॉपर होगा कि नहीं होगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। और जैसे जो भी पेशेंट है उनको पता ही होगा कि इलियोस्टॉमी रिवर्सल करवाने के लिए वो लोग बहुत सारे टेस्ट लिख के देते हैं, और वो टेस्ट में अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो ही जो इलियोस्टॉमी है वो रिवर्सल की जाती है। तो मेरे केस में भी यही होने वाला है, क्योंकि कोलोन के पार्ट के साथ साथ कई सारी चीज़ें निकाली है, तो उसके बाद मेरा कोलोन जो है वो ठीक से काम कर रहा है या फिर नहीं वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले तो वो वही दे, और उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मुझे कोलोन कैंसर में रीअकरेंस हुआ था, तो एक बार तो सर्जरी कर दी गई लेकिन दूसरी बार मुझे ऐसी जगह पे रेक्टम में था कैंसर कि उसकी सर्जरी मेरी नहीं हुई है, और मैंने अपनी ट्रीटमेंट जो है वो इम्यूनोथेरेपी से करवाई है। तो इम्यूनोथेरेपी के बाद अभी भी थोड़ा सा ट्यूमर लास्ट अप्रैल में जब मैंने स्कैन करवाया था तब शो कर रहा था, तो उसके बाद अगर वो पूरी तरह से वाइप अप हो गया है या नहीं, और अगर वाइप अप हो गया है लेकिन जो जगह है वो सारी वो एज इट इज़ नॉर्मल है या नहीं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बॉडी में अगर ठीक होगी तो रिवर्सल होगा, अगर वो ठीक नहीं होगी तो रिवर्सल नहीं होगा। लेकिन ये रिवर्सल होगा या नहीं होगा उससे मेरी लाइफ पे कितना फ़र्क हो रहा है ये मैं आपको बताना देना चाहती हूँ कि जिनको इलियोस्टॉमी बैग है उनको बहुत ही टेंशन रहती है कि प्लीज़ भगवान, मैं भी बहुत प्रे करती थी कि मेरा भी रिवर्सल हो जाए, रिवर्सल हो जाए। लेकिन थोड़े दिन पास करने के बाद धीरे धीरे मैंने इस बैग के साथ एडजस्ट करना सीख लिया है,
ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो होगा, क्योंकि जो नॉर्मल एक्टिविटी होती थी उन्हें बंद करके हमने एक इलियोस्टोमी में जो स्टोमा है वो बाहर निकाला है, तो एबनॉर्मल एक एक्टिविटी चल रही है तो वो तो हमेशा ही रहने वाली है, लेकिन उनसे हमारे माइंड या फिर फैमिली मेम्बर्स में लव या फिर जो मेरे बच्चे हैं वो जो मेरे लिए फील करते वो तो कुछ चेंज नहीं होने वाला है। तो एट द एंड ऑफ द डे मैं इलियोस्टोमी बैग के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारूं या फिर बैग ना हो के मेरी ज़िंदगी फिर से वही वाली टेंशन वाली या फिर से रीअकरेंस होने का प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें होने का मुझे इसमें टेंशन नहीं है। तो इसीलिए मैंने वहाँ पर कहा था कि अगर मेरा बैग रहता है तो भी ठीक है, अगर मेरा बैग नहीं रहेगा तो भी ठीक है, मैं दोनों के लिए रेडी हूँ। वहाँ पर मैंने इसीलिए कहा था कि 50% चांसेस अंदर जाने के हैं तो भी ठीक है, अगर वो 50% चांसेस है नहीं जाने के तो भी ठीक है। आई होप कि अब ये बात क्लियर हो गई है। नेक्स्ट सवाल ये था कि इलियोस्टोमी बैग के साथ क्या आपको प्रॉब्लम रहती है। तो इलियोस्टोमी बैग जब से लगा है तब से हर 3-4 दिन में मैं बैग चेंज करती हूँ, तो वहाँ पर जो पूरा क्लीनिंग वगैरह रहता है, बैग रिमूविंग रहता है, फिर से बैग लगाना रहता है और उसमें रेस्टिंग टाइम होता है, तो जब भी बैग जो है वो चेंज करना रहता है मुझे एटलीस्ट 2 से 3 घंटे वहाँ पर लगते हैं। कभी कभी अगर बैग लगा के मैं रेस्टिंग नहीं करती हूँ तो वो बैग उसी दिन सेम डे ही वो निकल जाता है, या फिर रात को जब मैं सो जाती हूँ तो कहीं ना कहीं से वो लीक हो जाता है, या फिर दोपहर में अगर मैं रेस्ट करती हूँ वो वहाँ पर भी वो लीक हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम मुझे बैग के साथ रहती है। उसके अलावा जो स्किन अराउंड स्टोमा है वो मेरी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी बीच में, तो वहाँ पर वो रिकवरी टाइम काफ़ी लेता है। लगभग लास्ट टाइम जब मेरा बैग के आजू बाजू स्किन ख़राब हुआ था तो 15 से 20 डेज तक मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम, अंदर जलन होती थी, स्किन में से खून निकलता था, और ये सारी चीज़ें होने के बाद मैंने 10 दिन तक बैग खुला रखा था। जब मैं सोती थी रात को तब बैग लगाती थी, सुबह उठ के निकाल देती थी, तो वैसे वैसे करके रिकवरी आने तक मुझे 20 दिन लग गए थे। उसके बाद अभी थोड़ा थोड़ा सीखने के बाद अभी भी स्किन जब ख़राब होता है तो उसको रिकवरी 1 या 2 दिन में आ जाती है, क्योंकि अभी इसके साथ 2 साल हो चुके हैं तो एडजस्ट करना सीख लिया है। लेकिन अभी भी जो स्किन के स्टोमा के अराउंड जो एग्जिट स्किन है वो अभी भी मेरी जो है वो थोड़ी सी वहाँ से खून निकलता है, ख़राब रहती है, और मैं वो सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो स्किन के अराउंड हम जो यानी कि पेस्ट होता है जो कि हम बैग के आजू बाजू लगाते हैं स्टोमक के अराउंड, तो ये सारी चीज़ें अभी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। इवन जो बैग के ऊपर चारों तरफ सील करने के लिए टेप लगाया जाता है वो टेप जो कि एडहेसिव टेप बोलते हैं वो भी मुझे स्किन को सूट नहीं करता है। जैसे ही मैं वो लगाती हूँ पूरे जो स्किन में है जो रैशेज होना शुरू हो जाते हैं वो भी मैं नहीं लगा पाती हूँ। तो बैग को लेकर मुझे थोड़ा ये इशू रहता है कि उसे सिक्योर करने के लिए मैं टेंशन में रहती हूँ कि अब कहीं निकल जाएगा कहीं निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी मेरी स्किन भी उसके साथ एडजस्ट हो गई है, तो अभी वो प्रॉब्लम नहीं रहता है कि कहीं भी बैग पूरा ही निकल गया, ये नहीं रहता है। जैसे ही मुझे पता चलता है कि अभी 3 दिन हो गए और अंदर अराउंड स्टोमा मुझे इचिंग वगैरह स्टार्ट हो गए या फिर थोड़ा सा ब्लड दिख रहा है तो मैं तुरंत ही बैग चेंज कर देती हूँ। वो पूरा बैग लीक होके ऊपर आने तक का वेट अभी मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि अंदर पूरा इचिंग और जो खाना है वो अंदर स्किन में रहता है तो स्किन भी पूरी काली हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो टाइम के साथ साथ सीखने लगे हैं। पहले ये प्रॉब्लम रहती थी कि बैग कभी भी स्लीप हो जाती थी, यानी कि दोपहर में या फिर रात में जब मैं लेटती थी तो ज़्यादातर बैग सोने के टाइम भी लीक हो जाती थी और नींद काफ़ी ख़राब होती थी। लेकिन कई टाइम से मुझे याद भी नहीं है कि रात को आधी रात को 2 बजे मेरी बैग लीक हो गई, अभी मुझे चेंज करना पड़ेगा, ऐसा तो अभी काफ़ी टाइम से नहीं हुआ। हाँ, ऐसा होता है कि स्किन के अराउंड अंदर इचिंग होना स्टार्ट हो गया, अगर मुझे नींद नहीं आ रही है तो मुझे इमिडिएटली बैग चेंज करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर इलियोस्टोमी बैग है तो मुझे डॉक्टर ने बोला है कि आप 4 kg से ऊपर कोई भी वेट नहीं उठा सकते हो, आपको मेक श्योर करना है कि आप कोई भी हैवी चीज़ उठा के चले नहीं,
या फिर ज़्यादा बैंड करके पेट जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेस होता है, ऐसी एक्टिविटी आपको नहीं करनी है। क्योंकि जैसे जो भी इलियोस्टोमी पेशेंट है उनको पता है कि इलियोस्टोमी में हर्निया का प्रॉब्लम रहता है। अगर लंबे वक्त तक आप पेट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते हो तो उसमें इलियोस्टोमी में हर्निया का प्रॉब्लम होता है। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना है। कभी कभी परेशानी, कभी थोड़ा दर्द रहता है, ब्लॉकेज का प्रॉब्लम रहता है कभी कभी। कई बार ऐसा होता है कि खाने में कोई ऐसी चीज़ आ गई जो कि डाइजेस्ट नहीं हुई, वो भी जैसे 2 साल हो गए तो अभी धीरे धीरे पता चल रहा है कि कौन सी चीज़ अंदर ब्लॉकेज करती है, कौन सी चीज़ ज़्यादा देर तक टिकती है, कौन सी चीज़ जो है वो तुरंत बाहर निकल जाती है। तो अकॉर्डिंगली प्लान करना पड़ता है कि कहीं अगर बाहर जाना है या फिर कोई फंक्शन में जाना है और आपको बार बार बैग खाली नहीं करना है तो आपको कैसी चीज़ें खानी है, या फिर आप घर पे हो इजी टू डाइजेस्ट खाना है, या फिर कभी ऐसा हो कि कहीं बाहर गए हैं और गैस वाली चीज़ें खा के फिर परेशानी ना हो, तो ये सारी छोटी छोटी सी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। हमेशा अपने साथ खाने की चीज़ें कैरी करनी पड़ती है। या फिर ऐसा भी होता है कि अगर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो घर से थोड़ा खा के जाना पड़ता है, तो ये सारी थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। बैग जैसे जैसे टाइम जाता है इलियोस्टोमी के साथ साथ वैसे वैसे एडजस्ट करना हमें अपने आप ही आ जाता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ना प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड जिनको भी इलियोस्टोमी बैग है वो बिल्कुल भी चिंता ना करें,